वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज हम मौजूद हैं, ये देखें नहर है, और सर्दी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज 2 बजे अभी सूरज निकला है, सुबह से बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। अभी भी हल्की हल्की धुंध है लेकिन इतनी ख़ास नहीं, सुबह से बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही थी। तो आज हम जिस भाई का घर नहर के पास है वो आपको दिखाने लाए हैं। ये देखिए नहर है और नहर के पास ही हम आपको दिखाते हैं उनका घर है, और उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता है गुजरने वाला, इधर से लोग आते जाते हैं, और ये इनका घर है। ये देखिए कोई दरवाज़ा, कोई मतलब पर्दा टाइप कोई चीज़ नहीं है, सामने से लोग गुजर रहे हैं। ये बेचारे पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, सामने से लोग आ जा रहे हैं, बेचारे सामने बैठे हैं। ये देखिए वो जो बहन है वो भी सामने बैठी है, बेटी है माशाल्लाह जवान है, वो भी सामने है घर के। तो कोई पर्दे का इस तरह का इंतज़ाम नहीं है, सामने से लोग गुजर रहे हैं। सामने नहर है, बड़ी सड़क है, नहर से लोग आते जाते हैं, जाहिर है खेतों को पानी वगैरह मिलता रहता है। सामने खेत भी हैं, ये देखें उधर भी देख लें, सामने सारे खेत हैं, खेतों में लोग आते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने घास वगैरह दे दिया इसमें? अच्छा माशाल्लाह, पहले हम देख के आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी सर्दी की वजह तो इन्होंने ये घास वगैरह जो होता है, ये गन्नों के ना ये ऊपर वाले छिलके हैं, ये उसमें दे दिए हैं। लेकिन जानवर जो साथ में आ जाते हैं, जानवर खा के ये निकाल देते हैं, कुछ दिनों बाद ही इनका दोबारा ये खाली हो जाता है, फिर हवा आना शुरू हो जाती है, फिर ये घास वगैरह दे देते हैं, इस तरह इनका चलता रहता है। घर के एक साइड से तो इन्होंने ये घास वगैरह लगा के इसको कवर कर दिया है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है बिल्कुल खाली है। ये देखें बिल्कुल ओपन है, इसे कोई वो घास भी नहीं है, कोई दरवाज़ा टाइप कोई इस तरह की पर्दा भी नहीं लगा हुआ, और ये बिल्कुल इस तरह का जो जिस तरफ से लोग आते जा रहे हैं उस तरफ से बिल्कुल खाली है। और इधर से इन्होंने थोड़ा सा कवर किया है, वो भी जानवर वगैरह खा के खाली कर देंगे 1-2 दिन में, और फिर बेचारे उधर हवा में बैठ जाएंगे। अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 1-2 दिन हो गए, धुंध इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि सूरज ही नहीं निकलता। दोपहर को 2 बजे थोड़ा हल्का बहुत थोड़ा बहुत सूरज निकल आता है, आज भी अभी सूरज निकला है तो हम बाहर निकले हैं। पहले हिम्मत ही नहीं हो रही थी आने की, तो अब थोड़ी सी धूप निकली है तो हम आए हैं। इनके हालात देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब इनकी ज़रूरियात को, इन्होंने हमें बुलाया था तो इनसे पूछते हैं कि ये अब क्या चाह रहे हैं, तो इनकी किस तरीके से मदद की जाए। भाई ये जो गाय नजर आ रही है इतनी सारी, ये गाय किसकी है? ये मेरे भाई का है। आपके भाई की? हाँ आपके भाई के, सारे भाई के। आप हमें कट्टी बच्ची बन गई बकरी। ठीक है, फिर ये इधर आपका घर और ये तो बिल्कुल साथ साथ ही है? घर साथ साथ नहीं, तो जगह जड़ी ना हो सजी हार गया, मतलब भाई दी थी 3-4 महीने से मैं। अच्छा भाई ने दिया? हाँ भाई ने दी थी, सरकार के नाल से जाए। ये गांव वाले ये मतलब इधर गाय वगैरह बांधते हैं ना, उस हिस्से की जमीन है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा ठीक है सही। तो लेकिन अब आपने बुलाया था कि हमारे हालात जो है ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, हमारे भाई वगैरह जैसे उठा रहे हैं, इस वजह से हम दोबारा आए हैं कि आप लोगों से पता करें, पूछें क्या हालात है। हालात पूछ रहे हैं कि आप जगह मिल गया,
देखे भाई कह रहे हैं कि मतलब जवान बेटी है, मुझे इस जगह से उठा रहे हैं, मैं जवान बेटी को लेके किधर जाऊं? माशाल्लाह अगर मैं बाहर भी बैठ जाऊं कहीं तो, अभी भी बाहर का हालात है कि सामने एक सड़क नज़र आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत तो पर्दा इन्होंने किया हुआ है, लेकिन अगर मैं बाहर बैठूँ, मैं बेटी जवान है इसको लेके मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ कहाँ धक्के खाऊँ? मैं ये चाहता हूँ कि इस बेटी की ना शादी करवा दी जाए, तो इसकी शादी के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? ज़रूरत बाजी की पेटी छोटे के ड्रमियाँ दी होगी, कपड़े की संदूक, ठीक है ना, कोई दो मंजे, एक दूसरे को थाम सेट, ये गरीबा ने उन्हें क्या होना था, ये कहीं जी ले सकते ये ले है गला तो, ठीक है। और इसका रिश्ता आपने किया हुआ है? हाँ रिश्ते का है, मेरा भतीजा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई का बेटा। भाई कह रहे हैं कि रिश्ता इसका किया हुआ है, लेकिन हम जो है एक पेटी होती है जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं बड़ी, वो देते हैं ये लोग, और इसमें एक छोटी सदूक होता है वो देते हैं, और एक में आटा डालते हैं, वो होती है आटे वाली वो देते हैं, और उसके बाद दो चार पाइयाँ होती हैं, और उसके बाद अगर दो चीज़ दो चार जोड़े इसके कपड़ों के हो जाए, ज़ाहिर है दुल्हन बनेगी, नए घर में जाएगी बेचारी, तो कोई अच्छे कपड़े हों दो चार सूट तो वो हो जाए इसके लिए, और दूसरा बर्तन अगर हो जाए थोड़े बहुत, मतलब जो ज़रूरत के होते हैं मेन मेन ज़रूरत वाले बर्तन, तो बस मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे अगर मेरी कोई मदद कर दे, मैं ये चीज़ें लेके और अपनी बेटी को रुखसत कर दूँ ताकि वो बेचारी इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, आपने जिधर अपनी बेटी का रिश्ता किया है उनके हालात भी इस तरह है कि उनका घर है बना हुआ? सही है, भाई कह रहे हैं कि जिधर रिश्ता किया है ना उनके साथ आठ मतलब गाय है ये लोग, जो इनकी जैसे कहते हैं कि इनका जो माल होता है, मतलब इनका जो सरमाया कह लें वो जानवर ही होते हैं, तो कह रहे हैं कि जिधर मैंने ना अपनी बेटी का रिश्ता किया उनके सात आठ जानवर उनके हैं, गाय है उनके लिए, तो वो जो है मतलब वक्त की एक वक्त की रोटी मतलब खा लेते हैं, मतलब इनके घर तो कभी खाना बनता है, कभी अक्सर ज़्यादा नहीं बनता, कभी किसी दरबार वगैरह से जाके खाते हैं जैसे इन्होंने बताया था, कभी कोई लोग मतलब दर्द खा के थोड़ा बहुत दे दें तो वो खा लेते हैं, लेकिन उनके घर जो है दो वक्त का खाना बन जाता है, ये उनके हालात इनसे बेहतर हैं, तो बेटी का रिश्ता करेंगे तो ये लोग ये भी बेचारी अपनी ज़िंदगी जो है थोड़ी आसान हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी अपनी आसानी से गुजार लेगी, तो ये जो भाई साहब चाह रहे हैं कि सामान ये थोड़ा बहुत जो उन्होंने बताया वो सामान अगर ले कर दे दिया जाए तो इसकी शादी हो जाए, और ये जो है ना बेचारी अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान कर ले, और उसके अलावा ये घर है जैसे झोंपड़ी सी बनी हुई है वो इधर से भी उठा रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि इनके लिए कोई किराए का घर देखें, कोई ऐसा घर देखें जिधर मतलब सर्दियाँ ये लोग निकाल सकें उधर, तो उधर इंशाल्लाह कोई अगर इनका जिम्मेदारी उठा ले किराए की तो उसका इनके लिए कोई किराए का घर देखेंगे जिधर इनकी सर्दियाँ बेचारी है। देखें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इनकी गोद में भी बच्चा छोटा पकड़ा हुआ है, इतने छोटे मासूम बच्चे हैं, इतनी सर्दी में यकीन करें हम बंद कमरों में कंबल में सोते होते हैं और हमें इतनी ठंड लग रही होती है कि इससे खुले फिर रहे होते हैं बेचारे, तो ऐसा कोई घर हो जो कम से कम छत हो और कमरा हो जिसमें ये सर्दी से बच सके, और ये जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे बीमारियों से भी महफूज हो सके, जैसा कि पहले बताया था आपको कि इनके नौ बच्चे एक बीवी से फौत हुए हैं, तीन बच्चे इस बीवी से ये जो बैठी है बहन इस बीवी से इनके तीन बच्चे फौत हुए हैं सिर्फ ये गुर्बत बीमारी और ये जो है ना इनके खुराक ना होने की वजह से, और जब बीमार होते हैं इनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते इस वजह से इनके बच्चे जो हैं फौत हुए हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए ताकि ये ऐसे घर में रह सकें जिनके ऊपर छत हो और ये इनके बच्चे भी महफूज हो जाएं और इनकी ज़िंदगियाँ बच सकें। बाकी जो है भाई हैं बेचारे तो इनको अगर कोई वो कहते हैं कि मैंने जानवर सारी ज़िंदगी पाले हैं थोड़ा बहुत कोई अगर जानवर ले दें तो या कोई थोड़ा भाई अगर आपको वो जो रिक्शा होता है जिस पर सामान वगैरह इधर हमने देखा है ना सामान वगैरह लेके जाती हैं लोग किसी का सामान हो लेके जाते हैं उनको पैसे मिलते हैं वो रिक्शा अगर आपको लेके दे दिया जाए तो क्या वो आप चला सकते हैं मोटरसाइकिल चला रिक्शे
वगैरह चला लेता हूँ, मतलब चलाना तो मुझे आता है। शहर समय देखना देहात चलेगा, शहर चलने में देना देहात में मारो दबी नहीं, वो होता ही देहात के लिए है, सामान वगैरह उठाने के लिए ना, कोई कोई खाद वगैरह लेके आता है अपनी फसलों के लिए या कुछ तरह का सामान, तो वो चलो ठीक है। अगर जो भी आपकी मदद हो सकी, कोई जानवर कोई लेके दे दे, या जो है इनके लिए क्या कहते हैं कि इनके जो रिक्शा वगैरह जैसे ये क्या चाह रहे हैं कि रिक्शा चला के वो अपने जो है ना सामान वगैरह उस पर लाते हैं और वो लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उससे माशाल्लाह अच्छी खासी रोजी इंसान कमा लेता है। अगर वो हो जाए तो इंशाल्लाह वो कोई इनकी मदद कर दे तो वो ये चला लेंगे, अगर वो नहीं मदद कर सकते तो थोड़े बहुत इनको जानवर ले दिए जाए ताकि ये जो है ना उनसे अपना उनका दूध बेचते हैं या उनको जैसे वो उनके बच्चे होते हैं फिर उनका दूध बेचते हैं, इस तरह ही अपना गुजारा करते हैं। तो जैसे भी कोई इनकी मदद करे अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और इनकी मदद करे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनसे राज़ी होंगे और इन मासूम बच्चों की दुआएं उनको लगेंगी। ये बेचारे इतने मासूम बच्चे हैं, मुझे तो आज सुबह बड़ी हैरत हो रही थी, जैसे जितनी सर्दी थी ना आज तो कंबल से उठने का जी नहीं चाह रहा था, तो ये बेचारे मैं यही बार बार सोच रही थी इतनी ठंड में ये मासूम बच्चे क्या कर रहे होंगे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जब किसी ने इनकी मदद की तो इंशाल्लाह ज़रूर इन तक पहुँच जाएगी। और शादी वगैरह का जो इनका खर्च है, इनके वो जो इन्होंने सामान बताया है पेटी वगैरह और आटे वाले ड्रम भी, इनके थोड़े बहुत कपड़े और बर्तन वो मिला के, और इनका जो माशाल्लाह जो आएगी बारात, मतलब चाहे थोड़े लोग ही आएंगे, ज़ाहिर आएंगे तो सही, आके जो रस्म होती है थोड़ी बहुत करेंगे, खाने का खर्च वगैरह मिला के तो इनका 1.5-2 लाख रुपया है इनकी शादी का खर्च। अगर कोई मदद कर दे तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और बहुत बहुत उनका एहसान होगा इन पर। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करेगा जो भी करेगा, बाकी ये है कि ये तो एहसान के बंदे कुछ दे नहीं सकते, ये दुआएं दे सकेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के भी अल्लाह ताला आपकी मेहरबानी इनकी, अल्लाह ताला आपके हालात भी बेहतर करें और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। बाकी ये है कि जो ऐसे लोगों की फरियाद सुनते हैं अल्लाह ताला उन पर ज़रूर अपना रहम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।